मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम है ना, हाथी जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और आप इशारे विशारे की प्रॉब्लम में फंसी हुई है। एक मिनट, आप साफ साफ बताएंगे कि की गल है? अदालत ने दलजीत बग्गा को बच्चों की कस्टडी सिर्फ इस पिना पे दी है कि बच्चों के ऊपर पिता का साया मिल जाए। अब अगर बाप के साथ बच्चे रह ही नहीं रहे हैं तो कस्टडी कैंसिल होनी चाहिए, और अगर मैंने ऐसा करके न दिखाया तो मेरी वकालत बुरा मान जाएगी। आज शाम को? जी। अरे राजीव जी, आप कुछ और नहीं कह सकते थे? क्या कहता, मतलब हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से निकल गया ना। आप ना जी कुछ ज्यादा ही हड़बड़ाते हो, कुछ और झूठ बोल लेते ना आप। ऐसा है, मैं कोई प्रोफेशनल झूठ बोलने वाला तो हूँ नहीं। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जब से मैं आपसे मिला हूँ ना तब से मैंने झूठ बोलने शुरू किए, उससे पहले झूठ नहीं बोलता था मैं। अच्छा जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने आपको झूठ बोलना सिखाया है? आपने मिसअंडरस्टैंडिंग में एमए कर रखी है क्या? मैं कुछ बोलूं आप कुछ बोले? सुन तो लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम में फंस गए हम। वो शक्ति पक्का आएगा शाम को ये चेक करने के लिए मैंने जो कही है वो सही है कि नहीं, तब तूफान आएगा आपके परिवार में, मेरे परिवार में भी। सॉरी जी, मैं थोड़ा सा हाइपर हो गई। थोड़ा सा? ओके जी, ज्यादा हाइपर हो गई। अब सिचुएशन ही कुछ ऐसी है ना। सॉरी, मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा आपके फैमिली के बारे में। उनके सामने ही सब कुछ होगा तो क्या होगा। मैंने, सॉरी राजीव जी, आई नो मैं बहुत सेल्फिश हूँ। आप इतनी मदद कर रहे हो मेरी, सेल्फलेसली किए जा रहे हो, और मैं हूं कि बस अपना ही सोचे जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि छोड़िए ना, आप बोलती ना पंजाबी में मिट्टी पाओ डाल दो मिट्टी, बस सब ठीक हो जाए राजीव जी। आज के साइंस प्रोजेक्ट में कितना मजा है ना। वही मुझे पापा ढो, आप इतनी जल्दी? हाँ मैं इतनी जल्दी, भाई काम खत्म हो गया, मैं आ गया घर। क्या हुआ पापा? कहाँ नहीं, किसे? किसे? आपको पापा, और किसे? मुझे? अरे आज मैं कॉलेज से देर से आई हूँ या पापा आप जल्दी आ गए बैंक से? ताऊ जी, यू आर लाइक दूध में हल्दी, आप कभी नहीं आते बैंक से जल्दी। यो आज आ गया ना, मैं हल्दी नहीं लाया हूँ, मैं ये मैं लाया हूँ पिक्चर की टिकट। पापा मुझे पता है आप ये मूवी टिकट्स क्यों लाए हैं। पता है? क्या पता है? Just because you are a girl. नहीं. No. Just because आप हमें सरप्राइज देना चाहते थे? हाँ भाई, भाई, भाई. क्योंकि वो लंच वाला प्रोग्राम कैंसिल हो गया था ना। पर पापा, यहाँ तो सिर्फ 5 टिकट्स हैं, एक कम है। मैं? रिशु, रिशु, मम्मी, पापा, आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं ना हम लोग। मैं कम नहीं है, मैं नहीं आ रहा ना, मुझे काम है बहुत बैंक का, और फिर मम्मी पापा आने वाले ना मंदिर से, 7-8 बजे आएंगे, घर पे किसी को होना चाहिए, तुम लोग जाओ मजे करो, एंजॉय करो। नो वे, आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और आप चाहते हैं कि आपका यार आपके बिना मूवी देखने जाए? हाँ यार, क्या कहे, आज चले जाओ तुम लोग, आज चले जाओ, मैं बाद में चलूंगा तुम्हारे साथ, पक्का जाएंगे यार, जाएंगे पक्का। लेकिन पापा, पापा आपको अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, आप खुश तो हम सब भी खुश। अगर ये यही है प्लान तो चलो हो जाते हैं, रेडी नहीं तो पिक्चर हो जाएगी शुरू। हाँ, और रेडी, हाँ चलो। हाँ। घर जा रहा है, ए ऋषि मैं आ रहा हूँ। ना चाहते हुए भी बच्चों से झूठ बोलना पड़ रहा है, पर तुम्हें तो पता है जानवी मैं सब क्यों कर रहा हूं। मुझे लगा था। ताऊ जी, मम्मी पापा और जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल तो चले गए थिएटर, और मैं ऋषु भी जा ही रहे, तो ये चाबी आप अपने पास रखिए। हाँ दे दे। और सुन, यो ये रख लो। अरे पॉपकॉर्न खा लेना, समोसे खा लेना। थैंक यू पापा। यार बोलता है ज्यादा मजा आता। चल जा।
बाय। चले यार, मेरे को बोलता है। ये घर सिर्फ तुम्हारा है जानवी, इस घर में और मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई ले ही नहीं सकता। दलजीत जी, वो लोकेशन मैंने आपको भेज दी, मिल गई आपको? हाँ जी, मिल गई मुझे लोकेशन। बहुत बढ़िया, तो आपने बच्चों को भेज दिया ना? हाँ जी हाँ जी, जैसे आपने बोला था बिल्कुल वैसे ही किया। वो गुलाटी जी के घर भेज दिया मैंने बच्चों को। वैसे आपका आइडिया जी कमाल का है, क्योंकि शक्ति अब मेरे बच्चों तक पहुंच नहीं पाएगा। आपके बच्चे? वो आपका आइडिया भी काम कर गया ना, वो पिक्चर वाला, मैंने सबको भेज दिया पिक्चर देखने। चलो, इसका मतलब घर खाली है। घर तो खाली है दलजीत जी, पर थोड़ा प्लान में चेंज है। वो क्या है कि मैंने अपने छोटे भाई को ना अपने परिवार के साथ उसे भी भेज दिया पिक्चर देखने के लिए। मैं उसके घर आ गया हूँ, उसका घर खाली है। मैंने जो आपको लोकेशन भेजी है ना, वो उसी के घर की है, तो आप यहीं आ जाइए। तुसी कमाल करते हो राजीव जी, प्लान भी चेंज कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। प्लान चेंज नहीं हुआ, बस लोकेशन चेंज हो गई। पर चेंज तो किया ना, कम से कम मुझे बता देते। और अगर घर खाली है तो वहां जाने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, नहीं प्रॉब्लम नहीं है दलजीत जी, बस इमोशन है। वो घर अभी मेरी मिसेज का ही है ना, तो हाँ जी आई अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, मैं पहुंचने ही वाली हूँ, मिलते हैं ना। मैं बस पहुंच रही हूँ। आजा। मम्मी पापा, मम्मी मैं पापा, ये मम्मी, इतने साल में पहली बार थर को शक हुआ है और तू अठे कहीं कर रहा है? घर पे ताला क्यों लगा हुआ है? कट गए सारे? नहीं, आप लोग तो 7-8 बजे आने वाले थे ना, जल्दी कैसे आ गए? अरे तो जल्दी दर्शन हो गए तो जल्दी दर्शन देने आ गए थारे को, इधर जल्दी आ गए। क्या हो गया, इतना घबरा किस वास्ते रहा है? नहीं नहीं ठीक। कई बात होगी छोरे, ऐसे घबरा क्यों रहा है? और कोई घर में नजर ना आ रहा, कटे गए सारे? पिक्चर देखने गए पिक्चर सारे? तो तू क्यों नहीं गया? मुझे काम था ना बैंक का। अच्छा, मतलब बैंक का काम करने के वास्ते तू अठे उस घर पे ताला लगा के? आप क्या जवाब दूं मैं? दलजीत जी बस यहाँ पहुंचती होंगी, अगर पापा मम्मी ने उन्हें यहाँ देख लिया तो। चले चलते घर, चलते हैं घर, चलते हैं, चलिए चलते। सांस तो लेने दे, ला मारे को एक गिलास पानी पिला दे। और गए अपने घर है, आराम से चलते, जा ले पानी पिला मारे को और मम्मी को। मुझे किसी भी हालत में दलजीत जी को यहाँ आने से रोकना होगा। जा तू पानी ले हमारे वास्ते, हमारी मम्मी के वास्ते, जा। उठाइए फोन दलजीत जी। देखिए अंकल जी, आप ना मेरे बेटे को लेके बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आप ध्यान अपने पोते पे दीजिए, क्योंकि बिगड़ा हुआ मेरा बैरी नहीं है जी, आपका पोता है अंकल जी। आप? ओह, ये दलजीत जी है। दलजीत जी मेरे मेरी सीनियर अफसर है बैंक में, बॉस है ना बॉस, इसलिए। ये मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे पापा, ये मेरी मम्मी। ये कॉलेज हनुमान जी गए थे दर्शन करने, 7-8 बजे आना था इन्हें, पर ये जल्दी आ गए। घर गए होंगे, वहां ताला लगा हुआ था, तो ये यहाँ आ गए मेरे छोटे भाई के घर। ये मेरे छोटे भाई का घर है। एक बात बता, तो अपने घर के अंदर की जानकारी इनको विस्तार पूर्वक क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा? क्यों दे रहा? क्यों दे रहा? अरे वही तो मैं पूछूं, क्यों दे रहा है? बॉस है ना बॉस, इसलिए। देखो जी, बैंक का टाइम ना खत्म हो चुका है, आप अठे कहीं कर रहे हो इस टाइम? वो क्या है अंकल जी, वो राजीव जी फोन नहीं उठा रहे थे और कुछ जरूरी काम था, वो मेहता वाली जो फाइल है ना उस पर कुछ डिस्कशन है, तो इसीलिए आगे में। अच्छा, आपको कैसे पता कि ये अठे ही मिलेगा? कैसे पता चला? मैं बताता हूँ इनको क्या हुआ होगा। ये गई होंगी हमारे घर, वहां ताला लगा हुआ था, किसी ने देख लिया होगा कि देखने के ताला लगा हुआ है, उन्होंने बता दिया होगा कि नीटू मेरा छोटा भाई यहाँ रहता है, हो सकता है मैं यहीं पर हूँ इसलिए यहाँ गई, यही हुआ था ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ अंकल जी। एक बात सुन लो जी, आप
आप ना हमारे छोरे से बैंक के टाइम में जितने भी काम करवाने वो उतने करवा सकते हो, कर देगा सारे काम, पर ड्यूटी के बाद को नहीं करेगा ये। उस दिन भी आपने संडे को छोड़ा को नहीं छोरे को, हमारा फैमिली लंच था, हम जा को नहीं सके आपकी वजह से, और आज तो आप घर ही पे आ गए। अरे अरे शांत हो जाओ, ये कोई बात तो समझे कोई। आप बैठो जी, बैठो। नहीं मैं चलती हूँ जी। ना ऐसे कैसे, हमारे घर आए थे, ऐसे ना जा सके है, चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। नहीं चाय नहीं पियेंगी, चाय पीती नहीं है ना, काम करते वक्त चाय नहीं पीती है, और वैसे भी सीनियर अफसर है, जूनियर अफसर घर में थोड़ा चाय पियेंगी। एक मिनट, आप जूनियर सीनियर में मानो? नहीं जी अंकल जी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। और क्या है ना जी, मैं तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन और फील्ड में अपने टीम प्लेयर्स के साथ ना एक ही बॉटल से हम लोग पानी भी पी लेते थे। क्रिकेट? हाँ जी, वो भी नेशनल लेवल खेल चुकी हूँ मैं, वो तो इंजरी हो गई वरना इंटरनेशनल खेल लेती मैं। आप हंस क्यों रहे जी? ना ना, मतलब इच्छा का तो वैसे कोई अंत ही को नहीं, पर एक बात तो है जी, क्रिकेट वर्कट जो है ना वो लेडीज के बस की को नहीं। देखिए अंकल जी, सॉरी टू से, फीमेल्स के बारे में ना आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम फीमेल्स किसी भी मामले में कम थोड़ी ना है, अब क्रिकेट में भी हमने प्रूफ किया हुआ है, और वैसे भी खिलाड़ी तो खिलाड़ी है ना जी, क्या लड़का क्या लड़की। बिल्कुल सही कह रही है छोरी, खेल में कौन छोरा कौन छोरी, सब तो खिलाड़ी होते हैं, हैं? वैसे थारे को एक बात बता दूं, ये भी नेशनल क्रिकेट टीम में आते आते रह गए और जयपुर क्रिकेट अकेडमी में कोच भी रह चुके हैं, और आज भी हमारी गुगली के सामने भले भले कौन ही टिक सके। वो क्या है ना अंकल जी, आपके गुगली पे सिक्सर मारने वाला मेरे जैसा बढ़िया बैट्समैन आज तक नहीं मिला होगा आपको। अच्छा तो फिर हो जाओ एक एक मिनी मैच। नहीं पापा, क्या बात कर रहे हैं, दलजीत जी रहने दीजिए। ओ जी अंकल जी, आप ना रहने दो, क्यों अपना भ्रम तोड़ना चाह रहे। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर हो जाओ एक मिनी मैच, हुँ? देखे किसका गुरूर टूटे और किसका भरम। ठीक है जी, तो हो जाए एक मैच। माले हम करने क्या आए थे और क्या कर रहे हैं, ऊपर से वो थर्ड अंपायर शक्ति आ जाएगा, आप मना नहीं कर सकती थी। नहीं जी क्यों मना करूं मैं, वो क्या है ना राजीव जी, आज जो मैं ये खेल खेल रही हूँ ना वो अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए जो एक खिलाड़ी है, पर उसे ना खेलने नहीं दिया जाता, सब यही बोलते हैं तू क्या क्रिकेट खेलेगी, तू तो ठहरी लड़की। हाँ जी, महिलाओं के लिए मोर्चा उठाने का आपने गलत टाइम ही चुन लिया। ये एक नंबर की अड़ियल है, आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे। कहीं बोली आपने, कहीं सुनी? सुनी तो कुछ कुछ, मैं भी बोली बहुत कुछ। अरे एक बार सोच लो, कहीं कर रहे हो? कहीं कर रहा हूँ। छोरी की बॉस है, आपने छोरी का आउट किया और छोरी ने टीटू को नौकरी से आउट कर दिया, तो तारे को पता को नहीं टीटू की माँ ये औरत कौन है। कौन? ये वही औरत है जिसने प्रिंसिपल के केबिन में अपने छोटा टीटू को डांट पिलाई थी, ये औरत है जिसके छोरे ने अपने छोटे टीटू का हाथ जोड़ते टेढ़ा कर दिया था। सच्ची? हाँ, अब ये टीटू के पीछे पड़ी है, आज मैं इसका घमंड चूर चूर करके रहूंगा बस। अब फिर भी छोरी की नौकरी का सवाल है, बेकार है। रेडी? हाँ जी रेडी, चलिए शुरू कीजिए। छह बॉल डालूंगा, छह, देखो कितनी खेल सके। छोरी, छोरियों के जिद का सवाल है, जम के। जे बात हे भगवान, कुछ तो करो और इस शक्ति को यहां मत पहुंचने देना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बवाल नहीं, आज तो महाबवाल होगा, सारा सच सबके सामने लाकर ही रहूंगा वरना सच बुरा मान जाएगा। धूमता ना 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 ना।
बधाइयां, मुबारकां, मुबारकां। अरे मैच का फैसला आया कौन ही? लोग बधाई देने वास्ते आ गए भाई। मैं खेल की बधाई देने आया हूँ। लेकिन किसी और के खेल की, नए जीवन के शुभारंभ की। वाह वाह वाह। नया जीवन? काई बोल रहा है भाई तू? आपके बेटे के जीवन में दलजीत जो आ गई है। तभी तो हालत बिगाड़ के रखी है हमारे छोरे की उसकी नई बॉस ने। वैसे आप कौन हो? अरे बाबा छोड़िए इनकी बातें में क्या लग गए, आप खेलिए ना, कितना मजा आ रहा है, कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ डालिए ना बॉल, डालिए डालिए। हाँ 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 हाँ। अंकल जी, अंकल जी पहले थोड़ा ऐसे ऐसे कर लीजिए। ऐसे? हाँ हाँ, क्रिकेट में करते हैं ऐसा। अच्छा, आप ग्रिप गलत पकड़े, इसको आप ऐसे पकड़िए और हाथ को थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखिए और फिर ऐसे घुसेड़ के स्विंग ना कर दूं थारे को। मारे को क्रिकेट का ज्ञान बांटेगा तू? हाँ? अरे पापा छोड़िए, क्या इसकी बातों में आ रहे हैं, आप बॉल डाली, दो बॉलें बची, आप जीत सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, चल तू उधर को जा, उधर को जा, उधर को। अभी अगर एक बार तेरे मुंह से कोई बात निकली ये स्टेम जो तीनों है ना घुसेड़ दूंगा। अरे मैं कह रहा हूँ बधाई हो शादी की। ओए ज्यादा बातें की ना, तो इस बैट से ना तेरी सुताई कर दूंगी मैं। हाँ भाई साहब, आपके लिए अच्छा होगा, आप निकल लो, बैट से सुताई हुई ना तो बहुत सारी चीजें टूट सकती हैं। तोड़ूंगा तो मैं घर भी, रिश्ते भी। अरे ऐसे 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 कर ले, ऐसे नहीं हो रहा है। मैंने कही थी बहुत कुछ टूट सकता है, टूट गया ना। अरे अरे भाई ठीक है तू। ओ अरे उप्स। चाचू, चाचू क्या हुआ है सब? ओह चाचू किसने किया है? फिरोज की हड्डियां तोड़ दूंगा। नहीं तू ऐसा कुछ भी मत करना, वरना रिश्ते बुरा मान जाएंगे। रिश्ता? कैसा रिश्ता चाचू? चाचू किसने किया बताओ? चाचू आपको मेरी कसम। अरे ये, अरे ये क्या कर दिया, ये कसम दे दी। राजीव बंसल उसका नाम है, तेरे नए पापा। नए पापा मतलब? बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुझे बताऊं, लेकिन सच यही है, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब सच तो सच है। हाँ बेटा, तेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली राजीव बंसल से। राजीव बंसल तेरा सौतेला बाप है। झूठे सब, झूठे सब। वेरी, आप झूठ बोल रहे हो। जो चिंगारी थी उसे मैंने हवा देकर ज्वालामुखी बना दिया है। दलजीत अब इस ज्वालामुखी की आग को कैसे बुझा पाओगी? मेरी मम्मा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वेरी कभी नहीं कर सकती मेरी मम्मा ऐसा। वेरी कंट्रोल। सच बताओ ना चाचू। बस बस मैं चाचू अब मुझे सच बताओ। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ तेरे अंदर के गुस्से को। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि ऐसी सजा दूँ जिसने मेरी भोली भाली भाभी को बहलाया। लेकिन मैं मजबूर था। बैरी के अंदर की आग को अब मैं ऐसा भड़काऊंगा कि दलजीत तुम उस आग को ना तो बुझा पाओगी और ना ही बर्दाश्त कर पाओगी। अब आएगा मजा।
आगे से ना तू और ट्विंकल, तुम दोनों में से कोई भी ना शक्ति चाचू से नहीं मिलेगा बस। अरे चाचू, मम्मा कहाँ? उनको ना थोड़ा जरूरी काम था तो आज जल्दी बैंक चले गए। अच्छा, और बता कैसी चल रही पढ़ाई? ठीक चाचू। मम्मी ने कुछ बताया नहीं? किस बारे में? ये टाई वाई बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, मीटिंग है इसलिए टाई लगा के जानी पड़ रही है। और पता, मैं घबरा गया था, मुझे लगा था कि वो शक्ति सबको सच बता देगा। किसी तरह मैंने बात संभाल ली। वो एक मुहावरा है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वही हाल हो रखा है मेरा। पता नहीं कब तक रोक पाऊंगा मैं शक्ति को, एक ना एक दिन तो सबको पता लग जाएगा ना, तब क्या करूंगा मैं, तब कैसे संभालूंगा सबको। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, ना तुम उस दिन फोन पे बात करते हुए गाड़ी चलाती, ना तो वो एक्सीडेंट होता, ना मैं तुम्हें खोता और ना दलजीत जी अपने पति को, और ना ही आज ये सब हो रहा होता। नहीं, मैं तुमसे तुम्हारी कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपने दिल की बात कह रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे अलावा किसी और से अपने दिल की बात करता नहीं ना मैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, झूठ मुझसे बोला नहीं जाता, हड़बड़ा जाता हूं मैं, पता नहीं कब तक संभाल पाऊंगा ये सब। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.